नंबर फोर बी अल्टरनेटिंग करंट भी, अल्टरनेटिंग करंट एसी। पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसका क्या होता है। लिखिए द करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अगर इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलूं तो करंट की जगह क्या डाल दोगे आप, ईएमएफ डाल दोगे, हो जाएगा भाई। क्या लिखवाया गया है, ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो और डायरेक्शंस पीरियोडिकली चेंज हो भी, पीरियोडिकली एक खास टाइम के बाद क्या हो जाए डायरेक्शन चेंज हो जाए भी, उसको बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज सिंबल ऑफ एसी भी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हर जगह मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, डायरेक्शंस हाफ टाइम में चेंज हो रही है, यहां तक बोलते हैं कंप्लीट साइकिल हो गया एक भी। ठीक है, लगातार मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, डायरेक्शंस खास टाइम में क्या हो रही है चेंज हो रही है, इट इज कॉल्ड एसी। ठीक है, हो जाएगा। इसी में इसको आप एसी के टर्म में लिखिए तो इन टर्म ऑफ इंड्यूस्ड, सॉरी इन टर्म ऑफ ईएमएफ लिखो तो उसको ईएमएफ बना लो, ईएमएफ ही है ये, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, कर लोगे। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग अभी, क्योंकि आपको पता है ये एक साइन वेव है अभी, एक वेव फॉर्म में है, और हर तरह के मोशन को हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक से लेके ऑसिलेशंस तक इस वेव फॉर्म में डाले हम लोगों ने आंसर्स को। ठीक है, और वहाँ पे एक आंसर आता है वेव का, डिस्प्लेसमेंट का आंसर्स भी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेव मोशंस भी, किसको रिप्रेजेंट करती थी ये वेव मोशन को, ये डिस्प्लेसमेंट थी, फिर वेलोसिटी निकाली गई थी, एक्सेलेरेशन निकाला गया था, यस और नो। तो इसको भी इसी टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे भी, क्योंकि एक उसी तरह की वेव है ये, इसको साइन वेव बोलते हैं भाई। तो इसमें देखो भाई, इसको इन टर्म ऑफ करंट रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आई नॉट, ये है पीक करंट या मैक्सिमम करंट भी, मैक्सिमम करंट। ओके, ओमेगा टी क्या है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस भी, क्या बोलते हैं इसको, फेज डिफरेंस। और आई क्या है, ये करंट है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम भी, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, आई निकालना होता हमको मोस्टली, कर लोगे। अब इसमें एक ओमेगा टी भी आया है, ओमेगा टी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में डाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में डाल सकते हो, मर्जी आपके भी। ओमेगा कैसे लिखते हैं हम लोग, 2π/T, यस और नो, या फिर 2π μ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड्स। पता है ना फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, टाइम पीरियड क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगा होगा, इट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में जितने रोटेशंस पूरे किए होंगे, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज भी। समझ में आई बातें, तो इसमें आई नोट कौन सा है इस इक्वेशंस के अंदर, दिस इज आई नोट, दिस इज अ पीक वैल्यू, ये क्या है आई नोट। और आई क्या है, किसी भी इंस्टेंट के लिए टाइम, करंट निकालना आपको, कर लोगे। क्या आप इसको इस टर्म में लिख सकते हो क्लास, क्रिएटर तरीका लिखने का इसका, यस और नो, क्या इसको इस टर्म में लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी वेव है भाई, ये रिजल्ट ऑफ वेव इक्वेशंस भी, इसका फर्क क्या है, ये आंसर होती है। कुछ देर बाद देखोगे ऐसा लगेगा सेम जा रहे हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग, कर लोगे। कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में, कोस और साइन के बीच में 90 डिग्री का, पाई बाई टू का, यस और नो, जो जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे किसी का 90 बजा के जीरो होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कितना डिफरेंस है इनके बीच में, पाई बाई टू का। फेज डिफरेंस से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास, याद रखिए इस बात को, फेज डिफरेंस से करंट की डायरेक्शन, करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी करंट लगातार क्या हो रहा होता है चेंज हो रहा होता है, उसमें भी खास पॉइंटों पर मैक्सिमम है, उसमें भी खास पॉइंट पर ही क्या डायरेक्शन क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, वो भी ऐसी हो सकता है। आप इसको इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर लोगे। अल्टरनेटिंग ईएमएफ को दिखाई दे तो कैसे दिखाएंगे, लिख लीजिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ,
अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको मैं से लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कर लोगे इन टर्म ऑफ करंट। व्हाट इज ई नॉट? इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट है ये, लिख लीजिए द करंट, द करंट होज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द करंट होज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉन्स्टेंट भी या नेवर चेंज भी, द करंट होज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेवर चेंज भी। ओके, इज कॉल्ड डीसी। कर पाओगे अभी? ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शंस कभी चेंज ही ना हो, मैग्नीट्यूड कभी चेंज ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, अभी स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाते हैं इसको, दो बना लीजिए, ये वेव मोशन को दिखाता है इसका लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स। कर लोगे? ये डीसी है, सिंपल है अभी। स्ट्रेट फ्रिक्वेंसी जीरो है, टाइम पीरियड क्या होता है 1/ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी, टाइम पीरियड क्या होगा इन्फिनिटी। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसीबी, सिंपल है। मीन कैसे निकालते हैं चीज़ों का, टोटल का बाई नंबर ऑफ कितना हुआ, ऐसा कुछ मीन करते हैं हम लोग। तो अगर मीन करना हो मेरे को, करंट का मीन करना हो, देखिए ये करंट अभी क्लास, इट इज़ वन साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे करंट हम लोग बोल रहे थे ना कि दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल्स, दोनों के करंट को मिलाऊंगा आंसर जीरो होगा मेरा भी, यस सर नो? तो पूरे साइकिल के लिए मीन कितना है? जीरो है भाई, कुछ बचा ही नहीं मेरे के लिए करने के लिए। ऐड करूँ स्कोर, स्कोर करंट को ऐड करूँ, आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, यस सर नो? तो आपको पूछ ले व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल, इट इज जीरो भाई, सिंपल है भाई, जीरो आंसर हमको नहीं चाहिए भाई। तो हम क्या करते हैं, मीन हाफ का निकालना पड़ेगा मेरे को, यस सर नो? पूरे का तो आंसर जीरो है ही, हम क्या निकाल लेते हैं हाफ का, नहीं कुछ वैल्यू तो चाहिए मेरे को कि ये कितना और ये कितना, तो जोड़ना तो पड़ेगा मेरे को, तब जाके आंसर कितना होगा, जीरो होगा। तो पहले इसका हाफ निकाल लेते हैं, फिर इसका हाफ निकाल लेंगे, सेम वैल्यू रह गया बट विद नेगेटिव साइंस, आंसर उसका भी जीरो होना है, यस सर नो? तो व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पक्की बात समझ में आएगी मेरे को कि हाफ के लिए करना है मेरे को काम, फुल के लिए तो वैसे भी जीरो होना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू का मीनिंग क्या, देखो भाई सब मीन सिंपल होता है भाई, मीन टोटल बाई ऐड करें बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, सिंपल तरीका ये है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे अभी, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसको डीसी के साथ भी, कि डीसी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये ऐसी कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम क्या बताएंगे कि एसी उतना ही करंट या उतना ही चार्ज ट्रांसफर करता है जितना डीसी करता है हाफ साइकिल्स के अंदर। हम यहाँ पे नाम से लेकर मीन निकाला है, कुछ मीन ही निकालूंगा यहाँ पे मैं, कुछ भी मीन नहीं निकालूंगा मैं, आपको ये बताऊंगा कि जो डीसी कर रहा है वो क्या एसी कर रहा है। यहाँ पे मीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम चार्ज को चेक करेंगे अभी, सिर्फ चार्ज को हम ये देखेंगे क्या जितना चार्ज एसी ट्रांसफर कर रहा है हाफ साइकिल में, क्या वो डीसी भी कर रहा था अभी? जो करंट जो चार्ज एसी ट्रांसफर कर रहा है हाफ साइकिल में, उतना ही कौन करता है, डीसी करता है सेम साइकिल्स में, सेम टाइम के अंदर भी, तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई, समझ में आया? yes. लिख लीजिए अभी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है अभी, तो लिखो एक बार इसमें डेफिनेशन, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर द फॉर एनी हाफ साइकिल भी, फॉर एनी हाफ साइकिल, फॉर एनी हाफ साइकिल, क्योंकि हाफ के लिए करना पड़ेगा, फुल के लिए जीरो होना है आंसर भी, ऐसे भी फॉर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड जर्नेट, विच वुड जर्नेट और ट्रांसफर, विच वुड जर्नेट और ट्रांसफर द चार्ज, विच वुड जर्नेट
और ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज जनरेटेड बाई, एज जनरेटेड बाई एसी इन सेम टाइम इन सेम सर्किट भी, इन सेम टाइम इन सेम सर्किट जो बोल रहा हूँ लिखो, इन सेम टाइम इन सेम सर्किट, ओके यस और नो? डेफिनेशन ये बोलना चाहती है जो चार्ज स्टडी करंट ट्रांसफर कर रहा है हाफ टाइम में, वो वही चार्ज ट्रांसफर कर रहा है एसी इन द सेम टाइम इन द सेम सर्किट्स भी। ये स्टडी करंट कौन है? ये डीसी है, आपकी प्लस टू के हिसाब से स्टडी करंट डीसी होता है, आपके अकॉर्डिंग स्टडी करंट ही डीसी है भाई। यस सर नो? ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं उसके बारे में कि स्टडी करंट क्या होता है, कर लोगे भाई? तो कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि जो स्टडी करंट चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इन टाइम हाफ, वही चार्ज ट्रांसफर कर रहा है एसी इन द सेम टाइम इन द सेम सर्किट्स भी। इट इज कॉल्ड, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैंने कहीं इस पर एवरेज और मीन का वर्ड यूज किया है कि टोटल मैंने एवरेज क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, कुछ नहीं करना भाई, कुछ और मीनिंग है इन चीज़ों का भी साथ में। रेजिस्टेंस यूज किया आप लोगों ने अब तक इस यूनिट में, इस यूनिट में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कुछ और रोल भी है भाई, वो अलग है थोड़ा सा। कैपेसिटर पढ़ लिया हम, यहाँ पर पढ़ें कैपेसिटर कुछ और रोल भी है भाई इसके अलावा, उसके अलावा तो अलग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा जो हम पढ़ चुके हैं उनसे भी, कर लोगे? तो सिंपल, अभी हमको क्या करना है, चार्ज निकालना है अभी। चार्ज क्या होता है? चार्ज देख लीजिए, करंट से निकाल लूं, करंट इज, करंट क्या होता भाई? इसमें डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू? इट इज आई डी टी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस और नो? तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ? आई नॉट साइन ओमेगा टी इन टू डी टी। ये तो स्मॉल चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है, हमें तो पूरा चार्ज निकालना है। किस टाइम तक? फॉर द हाफ साइकिल भी, टी बाई टू तक। यस सर नो? पूरा टाइम कितना है? टाइम पे टी है भाई, कैपिटल टी, और आप क्या होता है? टी बाई टू होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई क्लास? टोटल चार्ज इंटीग्रेशन कर देना, डी क्यू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। और कहाँ से कहाँ तक होना है भाई क्लास? यहाँ से जीरो से लेके टी बाई टू तक हाफ साइकिल यूज कर रहा हूँ। ये चार्ज जो होगा ये क्यू मान लेते हैं, टोटल चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? Yes, तो जो हाँ कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लें, क्यू इज इक्वल टू, ये राइट कर लिया भाई सभी ने? Yes, जल्दी करो भाई, टॉपिक बढ़े हैं क्लास, कई बार अब करना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है? जल्दी जल्दी करो, हो गया भाई क्लास? कॉन्स्टेंट वैल्यू वाई नोट को बाहर निकालना, जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी। क्या आपको इंटीग्रेशन करना आता है? साइन टू एक्स का डी एक्स कितना होगा? माइनस कोस टू एक्स बाई टू भी आएगा। यस सर नो? समझ में आता है ये बातें? तो इसका कितना आएगा? क्यू इज इक्वल टू आई नॉट माइनस का कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा, जीरो से टी बाई टू। ओमेगा टी नहीं आएगा, टी इज द वेरिएबल, ठीक है? कर लोगे? सही है कि नहीं है? माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा भी आ गया। पुटिंग द लिमिट्स क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ओमेगा टी के जगह क्या दूं? टी बाई टू माइनस कॉस जीरो हो गया। चेक करो भाई, क्या मैंने सही लिखा? टी के जगह पे टी बाई टू, और टी के जगह पे जीरो इंटू समथिंग जीरो। ओके, अब ये बताइएगा व्हाट इज ओमेगा टी? ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई होता है भाई।
मैं लिखवा था ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी, ये सर नो लिखवा था मैंने, टू पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा टी किसके बराबर होगा, टू पाई, पुट कर दूं वैल्यू वहां पे, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस आई नॉट ओमेगा, ये हो गया कोस टू पाई बाई टू माइनस कोस जीरो, टू पाई से टू से टू काट दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पाई भी, माइनस वन होता है कि नहीं होता, कोस पाई माइनस वन होता है भाई, और कोस जीरो वन, तो भी माइनस का हो गया, यस सर नो, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा माइनस वन माइनस वन भी, सही लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस भी हो गए, ये टू हो गया आई नॉट ओमेगा भी, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लास टू पाई का पाई समझते हो ना, पाई जीरो वन होता है माइनस वन होता है, जहाँ पे वन होगा उसके उल्टा माइनस वन होगा भाई, जहाँ पे जीरो होगा उसके उल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा, यस सर नो, यहाँ तक समझ में आया, देखो अब तक मैंने कहीं पे भी नहीं निकाला एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मैंने अब तक कहीं यूज नहीं किया एवरेज और मीन वैल्यू कैसे है, मान लेता हूँ भाई, माननी पड़ेगी तो उसके बाद निकलेगा आंसर्स। आई एम ये क्या है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ए सी बी, मीन वैल्यू ऑफ ए सी बी एम कितना है मीन, तो अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ चार्ज ही लिखूं, चार्ज क्या था क्लास इनिशियली, पहला टॉपिक शुरू हुआ था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या था आई डी टी, तो टोटल चार्ज मेरा क्यू था कितना था आई डी टी, आई में अगर मीन ले लूं तो आई एम हो जाएगा, और टाइम कितना लेना पड़ेगा मेरे को टी बाई टू लेना पड़ेगा, याद है कि नहीं है, मैंने ऐसे लिखा डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी भी, अगर मैं करंट को मीन ले रहा हूं तो टाइम मेरा हाफ होना चाहिए अभी, यस सर नो, तो दिस इज चार्ज, चार्ज तो आपके डेफिनेशन क्या बोलती है, चार्ज तो वही होगा जो ट्रांसफर हो रहा है सेम, यस सर नो, तो ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन है, अब फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट दोनों के बराबर हैं क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि चार्ज बराबर होगा, यस सर नो, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना हुआ, आई मीन आई एम टी बाई टू इज इक्वल टू टू आई नॉट बाई ओमेगा भी, टू आई नॉट बाई ओमेगा, सही लिखा है, तो आई एम का वैल्यू कितना भी फोर हो गया ऊपर, आई नॉट बाई क्या होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी व्हाट इज ओमेगा टी, ये टू पाई होता है, तो आई एम इज इक्वल टू फोर आई नॉट बाई टू पाई, सही लिखा है, टू से टू काट दें, आई एम इज इक्वल टू कितना हुआ टू आई नॉट बाई पाई वी, दिस इज द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी वी, ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हो टू बाई बाई पाई पाई आई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे टू बाई पाई इंटू आई नॉट, ओके सॉल्व कर पाते हो, टू पाई कितना होता है 3.14, कुछ वैल्यू आएगा कितना 0.637 आई नॉट, ओके सही है, सॉल्व कर लोगे ना, टू बाई पाई 3.14, टू बाई 3.14 दिस इज द आंसर भी 0.637, परसेंटेज फॉर्म में निकालूं तो गुणा में सो भी कर देते हैं तो कितना होगा आई एम 63.7% ऑफ आई नॉट भी, लिख सकता हूं परसेंटेज भी गुणा में सो कर लो, मतलब क्या है भाई, हाफ साइकिल जब ने यूज किया है उसका एवरेज कितना होता है, उसका उस पीक का 63.7% को ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, मीन करंट है, उतना ही कहां पे होगा नेक्स्ट हाफ में होगा, यस और नो, बट विद माइनस साइन भी, दोनों को ऐड करूंगा जीरो आंसर्स भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हाफ का निकाल लेते हैं, नेक्स्ट हाफ का उतना ही होना है, यस और नो, यस सर,
और टोटल ऐड करोगे आंसर कितना होना है, जीरो। तो टोटल एवरेज या मीन फुल साइकिल के लिए कितना होता है, जीरो। हाफ साइकिल के लिए 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू भी। ओके, एसी वोल्टेज एसी करंट था पहले, तो अब एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा। वोल्टेज करंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्लास, वही आंसर रहने हैं, लेकिन निकालेंगे टॉपिक पूरा तो आपकी एक बार और रीजन हो जाएगी इस टॉपिक की, ठीक है। तो लिखो पहले डिफरेंशियल लिखते हैं। लिखिए मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर द हाफ साइकिल, फॉर द हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द अमाउंट, इज डिफाइंड एज क्या लिखवा था मैंने वहां पे, द वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ विच वुड जर्नेट और ट्रांसफर, विच वुड जर्नेट और ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज जर्नेटेड बाई, एज जर्नेटेड बाई अल्टरनेटिंग ई एम एफ, अल्टरनेटिंग ई एम एफ, अल्टरनेटिंग ई एम एफ इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम, इन द सेम सर्किट, इन द सेम टाइम, इन द सेम सर्किट, ठीक है, इन द सेम टाइम, इन द सेम सर्किट। तो इसमें हमको लेके चलेंगे ईएमएफ को, सिंपल है चार्ज, इसमें भी चार्ज ही निकालना है मेरे को भी, यस और नो। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, लिख लीजिए एसी ईएमएफ क्या होता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट ए साइन ओमेगा टी। इसमें भी चार्ज यूज करना मेरे को, कर लोगे तो चार्ज का फार्मूला तो एक ही बनता है भाई, करंट से आएगा चार्ज। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, इट इज आई डी टी, सेम टॉपिक है क्लास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे करंट यूज नहीं करके क्या करंट यूज करना है, ई एम एफ यूज करना है। क्या मैं मामला को लगा सकता हूँ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर कर दूँ। व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस होगा सर्किट जो यूज करे उसमें फॉलो करो, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा उसका, यस आर नो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू इट इज ई बाई आर डी टी, करंट को वी बाई आर या मैं ई एम एफ यूज कर रहे हैं हम लोग पीक वैल्यू के हिसाब से, कर लोगे, यस आर नो। Putting the value, d q is equal to, what is the value of E naught V? Sorry, E. E naught A sin omega t by R into dt. सही है कि नहीं है? Yes, हमें पूरा चार्ज निकालना हो तो भाई कर दो इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज, कुछ भी टॉपिक नहीं है, सबसे आसानी उठाइए प्लस टू के भी। प्रॉब्लम क्या है, आपको आते हो तो आसाना भी, नहीं तो इससे मुश्किल नोट नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज़ करने आते हैं सिंपल सिंपल से, तो आप विषय आसान भी नहीं, कुछ टोटली मैथमेटिकल है भाई, कुछ एक भी थ्योरी नहीं है इसमें, कुछ भी थ्योरी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ गुणा भाग मिलेगा सारे में, कर लोगे। तो टोटल चार्ज कितना होगा, कर दें इंटीग्रेशन इसका, क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन कितना भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर इंटू डी टी, जीरो से टाइम कितना भी टी बाई टू। ये भी हाफ के लिए करना पड़ेगा, फुल के लिए इसका भी जीरो होना, कर लोगे। अब देखिए अभी कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, सही लिखा है,
जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी? माइनस कोस ओमेगा टी, यस और नो? बाई ओमेगा जीरो से टी बाई टू, लिमिट रखनी है जीरो से टी बाई टू। पुटिंग द लिमिट्स, ओमेगा को बाहर निकाल लूँ, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा आर, सही है? पुटिंग द वैल्यूज, कितना आएगा कोस ओमेगा टी बाई टू माइनस कोस जीरो भी, सही है? ओमेगा टी टू पाई, टू पाई होता है, टू से टू काट दूँ पाई बचेगा, लिख लेते हैं क्यू इज इक्वल टू, आपको ये लगा कि मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ चीज़ों को, डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम मिस करोगे बीच में कई स्टेप और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है? तुम्हारी बार बार, तुम भी बार बार लिखो, प्रैक्टिस होगी, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए क्लास, सच्चाई यही है, ठीक है? एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो आप फुली प्रिपेयर होगे इस चीज़ के लिए भी, हम लिख सकते हैं शॉर्टकट को भी डायरेक्टली, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिखोगे डायरेक्ट, इट इज माइनस वन भाई, ये कितना होगा, ये वन, सिंपल आंसर पूरा होगा तुम्हारा, अब लगता है टाइम कम है, लिख दो, कर लोगे, दैट इज कितना होगा कॉस पाई कॉस जीरो, कितना होगा भाई, ई नॉट माइनस ई नॉट ओमेगा आर माइनस वन माइनस वन, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आया, टू ई नॉट बाई ओमेगा आर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेता हूं लेट, लिखिए ई एम क्या है, मीन वैल्यू ऑफ ई एम एफ, अगर इसको इंटर ऑफ चार्ज लिखा जाए, चार्ज कैसे लिखा था हम लोगों ने, याद है ई बाई आर इंटू डी टी भी, चेक करो डी क्यू इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू डी टी, लिख दो ई एम, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, टाइम कितना रहेगा टी बाई टू, ये चीज लिखनी आ रही है, ये हम पहले यूज कर चुका हूँ डी क्यू की टर्म में, डी क्यू इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू डी टी था भाई, अगर मैं ई को ई एम मान रहा हूँ तो टाइम कितना लेना पड़ेगा मेरे को, हाफ लेना पड़ेगा भाई, कर लोगे? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि चार्ज सेम है तो सेम करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना होगा क्लास बताइएगा, अभी फर्स्ट ईयर ई एम बाई आर टी बाई टू इज इक्वल टू टू ई नॉट बाई ओमेगा आर, आर से आर काट दो, कुछ और भी कट रहा है क्या, तो कितना बना, व्हाट इज द ई एम वैल्यू, फोर ई नॉट बाई ओमेगा टी वी, ओमेगा टी क्या होता है, यहाँ पे कर दूँ तो फोर ई नॉट बाई टू पाई वी, सही लिखा है, तो कितना आंसर, सेम आंसर नहीं आ रहा, इट इज टू बाई पाई ई नॉट वी, टू बाई पाई ई नॉट, यस और नो? सोल्व करोगे तो कितना आंसर भाई, कितना था पहले में 0.637 ई नॉट वी, सही है? व्हाट इज ई एम इन टर्म ऑफ परसेंटेज, 63.7% ऑफ ई नॉट वी, सही है? ई नॉट क्या था, पीक वैल्यू भी, और मेरे को